फरीन शाकिर, कैसी हैं आप? ठीक ठीक। आपका मैं रिज्यूमे पढ़ रही थी कल, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें बहुत सी पढ़ाई की बातें थी, बहुत सी डिग्रीज का जिक्र था उसमें। आपने मास्टर्स किया इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में, आपने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, एंड देन यू वेंट ऑन टू ट्रांसलेटिंग पोएट्री। और जो आप शायरी खुद करती हैं वो करती हैं उर्दू में, और ताल्लुक आपका उर्दू अदब से है, तो ये इतना तजाद कैसे हुआ? तजाद नहीं है आयशा, क्योंकि इस इन सेंस इज लिटरेचर, राइट। सिर्फ ये है कि उर्दू इज द लैंग्वेज आई ड्रीम इन, ओके, एंड वन शुड राइट पोएट्री लैंग्वेज वन ड्रीम्स इन, ओके। तो इसलिए मेरा सारा जो एक्सप्रेशन है वो उर्दू में है। लेकिन जो मैंने अदब की बाकायदा तालीम हासिल की, मेरे पास उर्दू की डिग्री नहीं। अगर आप मुझसे आज कहें कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाकर उर्दू लिटरेचर पढ़ाना शुरू करूँ, नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग है, ज़हनी तरबियत है अदब को समझने की, तो वो अंग्रेजी की है, और इसने मुझे लिखने में बहुत हेल्प किया। अच्छा, आप ये बताइए, आपने एमबीए किया हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। एरिक सीगल इज एन ऑथर जो किताबें लिखता है विच आर यूजुअली सेंटर्ड अराउंड हार्वर्ड एंड द रेड स्क्वायर एंड एवरीथिंग, बहुत मुझे पसंद है। तो ही ऑलवेज डिपिक्ट्स हार्वर्ड एज दिस बिग सर्कस वेयर पीपल आर कमिंग फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैकग्राउंड्स, एंड इट्स लॉट्स ऑफ फन, ट्रेमेंडस फन। हाउ डिड यू फील? आई एंजॉयड एवरी माइक्रोसेकंड ऑफ इट, लव्ड इट। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता था, अपने उस्ताद मुझे बहुत अच्छे मिले, यू नो पीपल वन नोन फॉर द एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे अब मैंने IR पढ़ा, तो मुझे ग्राहम एलिसन और जोसेफ नाय ने पढ़ाया, जिनकी किताबें सारी दुनिया में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। हिस्ट्री मैंने पढ़ी तो रिचर्ड कैम्बल से पढ़ी, अर्नेस्ट मे से पढ़ी, जो दुनिया के मशहूर स्टोरी ने। तो मैं एक तो ये असातिज़ा, दूसरी कि हार्वर्ड का अपना एक कल्चर है। आज आप गॉर्बाचॉफ से तकरीर सुन रहे हैं, कल एडवर्ड कैनेडी आपसे मिलने आ रहे हैं, परसों कोई और आदमी है, तो एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। और रोजाना कुछ ना कुछ होता रहता है, सम इंटेलेक्चुअल हैपनिंग्स, और आप पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको अंदाजा आता है कि आप कितने एनरिच्ड होकर वापस आए। वो किताबें तो मैं यहाँ भी पढ़ सकती थी, लेकिन जिस फजा में मैंने उनको पढ़ा और मैंने अब्सॉर्ब किया बहुत कुछ, तो ये है हार्वर्ड के लिए। फिर ये कि सारी दुनिया से रुझा अभी आपने तस्करा के आते हैं, तो उनसे भी मिलने का इत्तेफाक होता है और उनकी नज़र से दुनिया को देखने का इत्तेफाक होता है। पता चलता है कि अच्छा, एक व्यू दुनिया का ये भी है। It broadens your mental horizon. आजकल आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं कस्टम्स की, इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं। अच्छा, औरत होने के नाते, औरत सिविल सर्वेंट होने के नाते आप जाती हैं वहाँ पे, इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, एवरीवन नोज दैट। हाउ डज इट फील? आई मीन आप वहाँ पे जाके कैसे हैंडल करती हैं, लोगों का क्या रिएक्शन होता है, वो ऑर्डर्स आपके कैसे लेते हैं? शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि जरा ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट आया है कि औरत से भी ऑर्डर लिया जा सकता है, और उनकी मेल ईगो बड़ी हर्ट होती। मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को देखती हूँ जूनियर कॉलेज स्कूल के, अगर उनको मैं किसी बात पर सख्सूस कह दूँ बहुत बुरा मानते हैं। अच्छा। और मेरे मेल कॉलेज उनसे ज़्यादा उसकी बेइज्जती कर देते हैं, दे जस्ट डोंट माइंड, ठीक पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, ऐसा नहीं होता। शुरू में मुश्किल थी, फिर ये होता है कि जब जैसा काम करते हैं और जिस तरह आप यहाँ को कंडक्ट करते हैं, हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर वर्क एंड हाउ रिजल्ट ओरिएंटेड यू आर, इट ट्रेवल्स, पीपल कम टू नो अबाउट यू, एंड देन दे खाले थोड़े थोड़े जाते हैं। I guess. उनको पता है कि अगर मैंने उनको कोई काम करने के लिए कहा है, आई मीन इट। अच्छा, ये बताइए, आप अंग्रेजी अदब से वाकिफ हैं, अंग्रेजी बोलती हैं, उर्दू बोलती हैं, पर्शियन और अरबिक भी बोल लेती हैं, समझ लेती हैं, और फ्रेंच से काम चला लेती हैं, तो आपने फॉरेन सर्विस क्यों नहीं ज्वाइन की? वाई कस्टम्स? आयशा, मैं फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो गई थी। अच्छा। इट वॉज माई फर्स्ट चॉइस, आई गॉट इट। लेकिन वो जमाना ठीक नहीं था, इट वॉज 1980, मेरा बैच 82 का है। 83 जनवरी में जनरल साहब हुकूमत करते थे हम पर, उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि खवातीन जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी बाहर पोस्टिंग बिल्कुल नहीं होगी। Now being holed up all your life in one little cell of foreign office was quite frightening. तो हम चार लोग थे हमारे बैच में, तो बुलाया गया हमें, हमारे दीदियों ने बुलाया कि ये सिचुएशन है तो वो क्या करोगे। तो वो दो लड़कियां जो इस्लामाबाद बेस्ड थी,
वो तो यही रहे. अच्छा, वी ऑल अप्लाइड फॉर अ सेकंड चॉइस. वी कुड, एक प्रोविजन है जिसके तहत हम अपनी सेकंड चॉइस में जा सकते हैं. लेकिन मेरे साथ अगेन फीवर, क्योंकि फौजी हुकूमत थी और मेरा सेकंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट था, मैं खातून थी, ये इतना बड़ा जुर्म था कि वो मैं माफ नहीं कर सकते थे. उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिया. अच्छा, और दे वॉज नो अदर चॉइस बट टू लर्न इन कस्टम्स. अच्छा, आपने तालीम कहाँ हासिल की? कराची. अच्छा, तो ये बताइए, मुझे लग रहा है आप डिबेटर रही हैं. मुझे थी, इंटरमीडिएट तक मैंने डिबेट में बड़ा सीरियसली हिस्सा लिया. फिर उसके बाद शायरी में पढ़ गई. और आप जानती हैं कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें, इन मानों में कि इनकी रिक्वायरमेंट्स और हैं. डिबेट आपको हजूम की तरफ ले जाती है. आप अकेले आईने के सामने तो तकरीर नहीं कर सकते सारा वक्त. और शायरी जो है वो आपको तन्हाई की तरफ ले जाती है. यू बिकम इंट्रोवर्ट. और मेरा ख्याल है मेरा अपना जो रुझान था, मेरी तबीयत मिजाज वो इसी तरह की थी. इंट्रोवर्ट. तो फिर मैं शायरी की तरफ आ गई और फिर इसी की होके रह गई. अच्छा, स्टार क्या है आपका? इंट्रोवर्ट. ये अजीब बात है कि सीरियस लोग जो हैं वो, मैंने यही पढ़ा है और देखा भी है कि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वेरी फ्रेंडली. मैं नहीं उस तरह की. हार्वर्ड पे भी आपने उनका पेपर ज्वाइन किया एंड यू वर द सब एडिटर देयर. तो हाउ डिड यू गेट अबाउट डूइंग इट? आपने अप्लाई किया था उसके लिए? ऐसा था कि हमारा जो स्कूल है, जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक अखबार निकलता है, व्यूज एंड न्यूज, हार्वर्ड न्यूज एंड न्यूज. तो उसके लिए हर साल जब स्टूडेंट्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स में से एडिटर्स होते हैं. तो उन्होंने शायद हमारा बायोडाटा तो होता है ना सारा, देखते हैं कि पीछे मैं क्या करती रही. तो मैं कॉलेज में भी थी एडिटर, यूनिवर्सिटी का जो अखबार था उसकी भी एडिटर थी. तो इसके अलावा कॉलमिस्ट थी, अभी भी लिखती हूँ. प्रॉबेबली ये सब चीज़ें देखकर एंड देन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर एंड ऑल दैट, उन्होंने सोचा था कि मैं कोई काम कर सकती हूँ. तो हमारा एडिटोरियल बोर्ड था, वी वर थ्री ऑफ अस. तो मुझे फिर उन्होंने एक दिन इन्फॉर्म किया कि हम आपको ये काम सपोर्ट करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू डू इट? विद प्लेजर. यू वर ओवरजॉयड. यस, ऑल वेरी हैप्पी एंड आई एंजॉयड इट. आपने पढ़ाया भी है, पाकिस्तान में भी पढ़ाया है, काफी अरसे तक पढ़ाया है, और अमेरिका में भी पढ़ाया आपने. आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? बहुत फर्क है. पाकिस्तान में आप यूँ समझिए कि इससे मोनोलॉग कम्प्लीटली, वही टेक्स्ट बुक्स होती है और वहाँ डायलॉग होता है. और वहाँ यहाँ ये है कि सवाल और जवाब दोनों स्टाफ को खुद ही देने पड़ते, खुद ही करने पड़ते, खुद ही देने पड़ते. वहाँ ये बात बिल्कुल नहीं. वहाँ ये है कि सवाल वहाँ से आता है एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड टू आंसर इट एंड द आंसर हैज टू बी करेक्ट. राइट जी, मतलब वो पकड़ लें. बिल्कुल. और वो भी पढ़ के आते. एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ तो पता नहीं कौन लोग सिलेबस रिवाइज करते हैं हमारा, मुझे नहीं पता. बहुत बुरा है, इंसिपिट. वहाँ ये है कि हम खुद अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ हमें सब्जेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इस मौजू पे. मैं खुद अपना कोर्स मैंने खुद ही तय किया. और ठीक है कि एक कमेटी होती है जो प्रूव या जिसे प्रूव करती है, लेकिन बेसिक जो थिंकिंग है ना वो पूरी आपकी है. उसमें यू नो हाउ टू गो अबाउट इट. आप प्रिपेयर करें और आप इंट्रोड्यूस करें बुक्स भी, रेफरेंस बुक्स भी, टेक्स्ट बुक्स भी. तो एक तो आप टोटली एब्जॉर्ब होते हैं अपने काम में. फिर आपको ये पता होता है कि अच्छा, अगर आपने ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, ये क्लिक किया, इसमें इन्होंने, इन्हें और इंटरेस्ट हुआ या नहीं, तो अगले साल आप उसको उसमें मजीद तब्दील भी ला सकते हैं. तो एवर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट. तो मुझे तो बहुत मजा आया. अच्छा, अमेरिका में क्या पढ़ाया आपने? सब्जेक्ट क्या था आपका? मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए मैंने. बेसिकली तो यूँ समझे कि ये साउथ एशियन स्टडीज का प्रोग्राम था. और मैं तो यहाँ जॉब कर रही थी. तो ये फुलब्राइट स्कॉलर इन रेजिडेंस प्रोग्राम होता है अमेरिका का, फुलब्राइट फाउंडेशन करती है उसको. उनको एक ऐसी खातून की या साहब की तलाश थी जो कि लिटरेचर भी पढ़ा सके और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी पढ़ा सके इस एरिया की और थोड़ा कल्चर सबक भी. तो वैसे ही मैंने, तो हालांकि आई वॉज टेरिबली इन्वॉल्व विद हार्वर्ड, लेकिन मैंने वैसे ही इतला मिली तो उनके फॉर्म्स मैंने भर के भेज दिए थे. आप उस वक्त हार्वर्ड में थी? नो, आई वाज हियर. यू वर अ पार्ट हियर. लेकिन आई वॉज ऑल सेट फॉर हार्वर्ड. इनफैक्ट मुझे हार्वर्ड 1991 में चले जाना चाहिए था. 90 में आई डिडंट गो, आई वेंट नेक्स्ट ईयर. अच्छा जी. तो आई गॉट सेलेक्टेड. तो वहाँ मैंने फिल्म भी पढ़ाई. अच्छा. या पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी भी. अच्छा. और बाकी हमने सात मुल्कों की फिल्में चुनी थी.
फिल्में जो हम आम देखते हैं, फिल्में जो आम देखते हैं। आपने पाकिस्तानी कौन सी चुनी? पाकिस्तानी मैं दिखाना चाह रही थी मुट्ठी भर चावल। अच्छा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि दो तीन घंटे की मूवी है, उसमें बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, और मार्क मार्क उठाई भी बहुत है, तो और वो सब टाइटल्स नहीं है उसके। अच्छा, तो मेरे स्टूडेंट्स तो सारे दे वर ऑल अमेरिकन, सो उनको तो उर्दू में थी, सब टाइटलिंग भी नहीं थी। तो मैंने फिर दे आर किलिंग द हॉर्स, ये स्टार कस्तर की एक डॉक्यू ड्रामा है, 45 मैंने वो दिखाई। अच्छा, उस वक्त अफसोस हुआ कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ऐसी फिल्में क्यों नहीं तैयार करती जो बाहर के ऑडियंस को, बाहर के व्यूअर्स को भी दिखाई जा सके। हमने इस एरिया में कोई काम नहीं किया। आप इंडिया की मिसाल लें कि वो उनका जो जो आर्ट मूवीज वाला सिलसिला है वो बिल्कुल अलग है, फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, और वो एक खास व्यूअरशिप रहन में रखे उसको तैयार करते हैं। वो खसारे का सौदा है, कमर्शियल फिल्मों को तो बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक तरह उनका ये काम, उनका आर्ट, उनके आर्टिस्ट अप्रिशिएट हो रहा है, वो तो चीजें चल रही है ना बाहर। हमारे यहाँ कोई काम मेरे ख्याल आर्ट मूवीज एज सच नहीं बनती, और कम से मुझे नहीं मिली, तो मजबूरन मैंने वो दिखाई। मेरा दिल यही चाहता था कि मेरे को कोई कमर्शियल अच्छी इंटरटेनिंग, क्योंकि वो तो बड़ी सैड, बड़ी सीरियस मूवी है, द वन दैट आई शो ओवर देयर। मैं इस तरह की कोई चीज दिखानी चाहिए, और ये एक बहुत ही बेसिक थीम से रिलेटेड थी, मुट्ठी भर चावल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन, की एक राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवल पर उन्होंने बनाया था, एक चादर में अली, बहुत अच्छा उसको संगीता ने डायरेक्ट किया था, और वेरी गुड मूवी, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सकी। फिर इसके अलावा मैंने बाकी मूवीज जो थी, कमीला, जोरबा द ग्रीक, चाइनीज कुछ मूवीज थी, ये हमने पूरे 7 मूवीज सिलेक्ट की थी। फिर मैंने पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री ये मैंने पढ़ाई। अच्छा, उसमें मैंने इस कोर्स में थोड़ा सा मैंने शेयर किया मेरे साथ, ये कोटॉट कोर्स था, उसमें 2 प्रोफेसर और थे, तो मिलकर हम इकट्ठे पढ़ाते थे। अच्छा जी, मेरी एक मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज थी, मैं 9-7 तक पढ़ाती रही हूँ हमेशा, सोलो फ्लाइट, सोलो परफॉर्मेंस, वहाँ ये भी था कि आप मिलकर कैसे पढ़ाते, तो आपका असेसमेंट आपके कॉलीग्स भी करते जाते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी करते जाते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट विजिलेंस में पढ़ाते हैं वहाँ पे, बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस में पढ़ाते हैं। You are being observed all the time. All the time, like a hawk. अच्छा, ये बताइए और क्या आपके इंटरेस्ट है? म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक कौन पसंद है? सेमी क्लासिकल। अच्छा, और वो भी ज्यादातर मैं इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, मेरे पास वक्त का बहुत मसला है, मैं काम करने होते हैं, तो ये कि राग अपनी प्योर फॉर्म में या थोड़े से हम जैसे लोगों के लिए जो हमारी वैसी इनिशिएशन नहीं है म्यूजिक की, जिनके लिए बनाए गए, रविशंकर का सितार चल रहा हो, या बुलायत हुसैन खान अमानत अली खान की कोई चीज चल रही हो। अच्छा, तो मेरे लिए, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए काम करना और आसान हो जाता है। आपने प्रवीण काफी सारी किताबें भी लिखी, वो ऐसा यूं है कि किताबें तो 4 हैं, आप जानते हैं, खुशबू, सतपर, कलामी, इनका पीस का नाम माहे तमाम है, और इसमें 4 किताबें, अब इसका जो होम एडिशन है वो भी आ गया। अच्छा, आप अपना ताज़ा कलाम अगर सुनाना चाहें, आई एम श्योर व्यूअर्स को बड़ा इंतजार होगा। मैं आपको ये गजल की कुछ ये सुनाती हूँ। हर्फ ताज़ा नई खुशबू में लिखा चाहता है, बाप एक और मोहब्बत का खुला चाहता है, एक लम्हे की तवज्जो नहीं हासिल उसके, और ये दिल कि उसे हद से सिवा चाहता है, एक हिजाबे तहे इकरार है माने वरना कुल को मालूम है क्या दस्त सवा चाहता है, रेत ही रेत है इस दिल में मुसाफिर मेरे, और ये सहरा तेरा नक्शे को फिबा चाहता है, रात को मान लिया दिल ने मुकद्दर, लेकिन रात के हाथ पे अब कोई दिया चाहता है, आखिर शेर इसका तेरे पैमाने में गर्दिश नहीं बाकी सागे, और तेरी बज़्म से अब कोई